हेलो माय यूट्यूब फैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इन दिनों क्या बनाया है घर में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे घर रह गया था कुछ केले और मैं बिल्कुल भी केला पसंद नहीं करती हूँ खाने में, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कुछ मीठा सा बनाते हैं और इसको बंगाली में हम बोलते हैं पीठा। और इसके लिए मैंने लिया है सूजी, मैदा, चीनी और केला, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। फिर शाम को मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे अमूल का स्प्रेड चीज़, और पहली बार मैं वो खाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, और खाने में वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट था। तो मैंने सोचा कि इससे मैं सैंडविच बनाऊँगी, और मुझे बनाना था एक मायो सैंडविच। तो मैंने लिया प्याज और इसमें मैंने दिया अंडे का जो येलो पोर्शन है वो, और इसको अच्छी तरीके से मेयोनीज के साथ मिक्स कर लिया था। और इस पे मैंने ऐड किया ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। ओरिगानो और चिली फ्लेक्स में लाई थी डोमिनोज से, ऑफ कोर्स हम सब लाते हैं। और ब्रेड में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया था मैंने चीज़, और दे दिया था वो जो मैंने फिलिंग बनाया था वो, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। हाय, तो आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मैंने उनके लिए प्लान किया है कुछ सरप्राइज, और मैं बनाने वाली हूँ उनका फेवरेट डिशेस। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या सरप्राइज प्लान किया है और क्या बनाया है खाने में। तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए एक छोटा सा डेकोरेशन किया था, क्योंकि मैं सारा दिन काम करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मैंने बस इतना ही सिंपल सा डेकोरेशन किया। और ये रहा मेरा जो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट पार्ट, और बहुत स्पेशल केक, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा मोबाइल एडिक्टेड है, तो उनके लिए मैंने ये वाला केक ऑर्डर दे के बनाया है। और मैं शाम के लिए बनाने वाली थी मुगलाई, चिकन मुगलाई, तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ जो एक चिकन कीमा है वो, और मैंने यहाँ पर मैदा को प्रिपेयर करके रख दिया है। और मुगलाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया। और फिर मैं काम करते करते टायर्ड हो गई थी, तो मैंने खुद के लिए बनाया था रुह अफ़ज़ा। और ये रहा चिकन, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, यम्मी था खाने में, और मुझे बाहर के खाने से ज़्यादा घर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने साथ में बनाया था एक करी, और फिर जब मेरे हस्बैंड आए वो तो सबको देख के बहुत सरप्राइज़ हो गए थे। मेरी मम्मी आई थी, मेरी बहन और मेरी जो काकी है वो आई थी, और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उन्होंने केक कट करने के बाद जो डॉल का जो सर है वो मुझे खिला दिया, बोल रहे थे कि मैं सबका सर खाती हूँ। और ये रहे मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा बहुत इरिटेट रहती है पता नहीं क्यों। और सब लोग बहुत अच्छी तरीके से डिनर करके जाने के बाद मैं खोल रही थी मेरे हस्बैंड का गिफ्ट्स, और इसमें से निकला एक चॉकलेट जो ऑब्वियसली मेरा ही है। और ये वाला जो गिफ्ट है दिया है मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। और फिर सब कुछ करने के बाद हम सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।